हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए, अभी 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन सिर्फ बताया था पढ़ के, उसका आंसर नहीं बताया था। ठीक है, इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं उनका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, बच्चे क्वेश्चन देते जा रहे हैं अभी, लगातार दे रहे हैं। मैंने PDF कंप्लीट कर दिया, उसके बाद अब फिर देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रुक रुक के जैसे जैसे उन्हें याद आ रहा है वैसे वैसे वो सभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को दे रहे हैं। अब देख कैसे रहे हैं, अभी देखो कम्युनिटी टैब में जाना आप लोग। हर एक शिफ्ट वाइज मैंने क्या एक पिक्चर डाल रखा है, उसके नीचे कमेंट में आपको उस शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देख लो, इसका मैं PDF भी आपको सॉल्यूशन का दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो एक काम करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप ले लेना PDF को। अब इस वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी देखो, जो भी बच्चे इसमें कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप एग्ज़ाम दे के आए हो तो आपका फर्ज ये बनता है कि जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनका क्वेश्चन जो है कमेंट करके बता देने का मुझे। ठीक है, और इससे पहले मैंने जो बताया था, बनाया था वीडियो, वो भी देख लेना, 4 मिनट का था, उसमें ज़्यादा कोई डिटेलिंग भी नहीं था, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन दिया है। तो आप सब क्या करना कि बस वो दोनों वीडियो देख लेना फर्स्ट शिफ्ट के लिए, बाकी तो आज सुबह से शाम तक मुझे वीडियो देना ही है। और एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा है। ठीक है, बिकॉज मुझे ये बनाना अकेले है सुबह से, मतलब कि आज 3 शिफ्ट में एग्जाम है, तीनों शिफ्ट का मुझे अकेले लिखना होता है, अकेले बनाना होता है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी जल्दी जल्दी में लिख रहा था। ठीक है, तो मैंने हैंड राइटिंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसे इग्नोर करते हुए लिखते चल गया। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए बात यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो गाइस, यहाँ पर क्या है, अब बैटरी के आविष्कार किसने किया था, देखो बार ध्यान देना, बैटरी के आविष्कार एग्जाम में आपका था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी के बारे में इन्होंने सबसे पहले सोचा था और इसका नाम दिया था क्या, बैटरी। ठीक है, लेकिन गाइस सबसे पहले बैटरी बनाया किसने था, तो एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बैटरी को क्या किया था, बनाया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सिलिकन क्या है, तो सिलिकन क्या है, सेमी मेटल है। बात समझ में आया, सिलिकन क्या है, सेमी मेटल है। अब मैंने बोला था ना लूसेंट का मिसलेनियस पढ़ के जाओ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, देखो मैं रियलिटी बताता हूँ कि ये बंदा झूठ बोलता है, कुछ इससे इसका जो बताया हुआ कुछ एग्जाम में नहीं आता। चलो जिसको मानना है ठीक है, जो नहीं मानना कोई बात नहीं। देखो मैं आपको प्रूफ भी यहाँ दिखाऊंगा कि लूसेंट का मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन आए हैं, और ही बच्चे जो क्वेश्चन बता रहे हैं लूसेंट के मिसलेनियस से ही पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो कैंसर का उपचार क्या, किसका प्रयोग किया जाता है उपचार में, अब देखो इसका ऑप्शन तो बच्चों ने बताया नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे कोबाल्ट का यूज जो होता है कैंसर के उपचार में होता है। ठीक है, अब देखो इसरो की स्थापना, ये आपको पता है ना, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, जो कि आपका मिसलेनियस में ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने ये आपको बताया नहीं था, लेकिन बस ये बोला था कि मिसलेनियस पढ़ लेना, लूसेंट का विविध पढ़ लेना, और उसकी PDF दी थी। अब देखो नागालैंड की राजकीय भाषा, ये मैंने आपको हर एक स्टेट की उसकी लैंग्वेज के बारे में बहुत पहले पढ़ाया था, तो आप लोग राजकीय भाषा A to Z Study लिख के सर्च करते तो आपको मिल जाता, लेकिन आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, जो कि नागालैंड की इंग्लिश थी, जो कि ये भी आपको मिसलेनियस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे काउंट करते चल जाओ, काउंट करते चल जाओ, मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिया उसके बावजूद भी मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन आए, जरा आप काउंट कर लेना, इसका अंदाज़ आपको मिल जाएगा। देखो इंटरनेशनल कोर्ट में जजों की संख्या 15 होती है। ठीक है, अब देख लो भारत में राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये बच्चे आप मैंने कल ही बताया था, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। ठीक है, अब वहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था, देखो बच्चे ऑप्शन में कुछ कुछ लिख रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक्चुअली आपका जो लूसेंट में है अशोक स्तंभ है, और नेट पर भी जो है आपका अशोक स्तंभ है। ठीक है, इसके बाद आपको इटली का भी राष्ट्रीय चिन्ह पूछा गया था, सफ़ेद लिली है, वो भी आपका क्या है, लूसेंट में ही है। अब देखो बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, ये भी आपका लूसेंट में ही है, तैराकी। ठीक है, जो कि स्पॉट विविध और स्पॉट्स मैंने बोला था दोनों चिपका हुआ है एक दूसरे से, सटा सटा है, जिसको बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तैराकी से, जिसको आप इंग्लिश में स्विमिंग बोलते हो। अब देखो ये क्वेश्चन, स्पाइडरमैन का हीरो तो ये है टॉबी मैग्यूरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मुझे भी अगर आप कोई पूछ देता तो मैं रियली बोलूँ मैं इसका आंसर नहीं बताता, बिकॉज मुझे इसका नाम नहीं पता था। ठीक है, मैं भी अगर एग्जाम देता आपकी जगह पे मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आता, बिकॉज जो भी बच्चे छोड़ के आए आप लोग टेंशन मत लो, अच्छे अच्छे बच्चे छोड़े होंगे, बिकॉज इनका नाम नहीं ही याद होगा, मुझे भी नहीं पता था इसका, मैंने भी नेट का सहारा लिया है। ठीक है, अब देखो ये इंडियन कोई एक्टर रहता तो मैं बता भी देता आपको। अब देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ये भी आपको कहाँ पे है, लूसेंट में ही है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पस भी होता है, वाइट ब्लड सेल्स भी होता है। बात समझ में आया, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब देखो नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार देखो पुरस्कार के बारे में बताया था, अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था पुरस्कार के बारे में आप लोग यहाँ पे मिसलेनियस से मैंने बस क्या की थी ओवरव्यू मैंने दिया था, लेकिन फिर भी बोला था कि आप मिसलेनियस में जाके पढ़ लेना पुरस्कार के बारे में भी, लेकिन आपने नहीं पढ़ा था। अगर पुरस्कार पढ़ते तो समझ में आता है कौन सा देश देता है, स्विट्जरलैंड देता है। ठीक है, किसके नाम पर देता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में देता है, उनके नाम पर मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अब देखो पेंसिलिन की खोज किसने की थी, ये बच्चा बच्चे ने क्या कहता है, एक बच्चे ने कमेंट किया था यूट्यूब वीडियो के नीचे, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो लुई पाशियन आंसर भी बने, बच्चे ने बताया था लेकिन गलत आंसर था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देना।
मैं भी उनको क्वेश्चन देके लिख रहा था, तो फिर मैंने भी यहाँ पे लुईस पाशर लिखने का कोशिश किया, फिर मुझे याद आ रही है कि बच्चे ने तो आंसर गलत कर रखा है, एक्चुअली इसका आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। ठीक है, अब देखो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो ये क्या होता है, सफेद लिली, मैंने बोला था ना। चलो इन सभी का पीडीएफ आपको दूंगा, टेंशन मत लेना। युवा दिवस कब मनाया जाता है, देखो मैंने दिवस के बारे में बताया था लेकिन युवा दिवस का नाम नहीं लिया था, लेकिन मैंने ये बोला था दिवस पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हुआ था क्या, 12 अगस्त को। मैंने पर्यावरण दिवस और ETC मैंने कुछ कुछ बताया था वहाँ पे आपको, ठीक है, योग दिवस भी बताया था वहाँ पे, तो ये सभी चीज़ों को आप जरा ध्यान में रख के जाना। अब देखो एक चीज़ बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स, और एक नेक्स्ट एक और बुक क्या है, द प्रिंस एंड द पिलिग्रिम्स। अब देखो ये क्या है, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स, एक क्या है द प्रिंस एंड द पिलिग्रिम्स, ये दोनों नोबेल अलग अलग है, तो जो आपके एग्जाम में आया था उसका क्या है, ह्यूवेन त्सांग नाम है, ठीक है, लेकिन इनकी जो है ये जो है द प्रिंस एंड द पिलिग्रिम्स है, इसका जो राइटर क्या है उसका नाम मैरी स्टीवर्ट नाम है। ठीक है, दोनों बुक अलग अलग है, सुनने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों के राइटर भी ऑथर भी क्या है, दोनों अलग अलग है इस नॉवेल के, तो इसमें याद रखना जो आपके एग्जाम में आया था उसका ह्यूवेन त्सांग था। अब ये क्वेश्चन एक बच्चे का सिर्फ कमेंट था कि ये बुक ये आया था, ठीक है, इसके अलावा जो जो आया होगा आप जरा बता देना मुझे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति आवर से जाती है, ठीक है, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न करता है, तो उसका एवरेज स्पीड, ये मैथ है तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है, पीडीएफ जरा देख लेना, ये बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको मैथ का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। एक्चुअली करना कुछ भी नहीं आपका, ट्रिक है ना, टू इंटू D1 D2 जो भी है आपका, D1 प्लस D2 मैंने बताया था आपको, उस पर आप इसे निकाल लेना, ये आपका आ जाएगा आंसर उसका। अब तो संविधान में कितने प्रकार के, देख रहे हो हैंडराइटिंग बहुत ही घटिया लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, संविधान में आपात कितने प्रकार की, आपात मतलब इमरजेंसी के बारे में बात की गई है, तो ये 3 प्रकार की है हमारे संविधान में, 3 प्रकार की इमरजेंसी के बारे में बात की गई है, बात समझ में आया, तो वो कौन कौन सी है, राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात है और राष्ट्रपति शासन, ये तीनों है हमारे संविधान में दिया हुआ है। अब पूछ रहे हैं हटर्ज किसका, ऐसा ही मात्रा का हटर्ज किसका है, तो ये जो है आवृत्ति क्या है, ठीक है। अब बताओ 5 का, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा मैथ का, देखो मैं समझ लो, ये मैंने लिखने में शॉर्ट में लिख दिया, बच्चे ने कमेंट किया, मैंने वैसे शॉर्ट में सेम टू सेम उठा दिया इसे, ठीक है। मान लो ये 5 वस्तु का एवरेज, मान लो भार कितना है, वेट कितना है, 22 kg है मान लो, और 4 का एवरेज वेट कितना है, 19 kg है, तो बताओ 5वें का जो है, 5th नंबर का एवरेज वेट कितना होगा, तो करना है कि आपको 5 का 22 है तो उसको एग्जैक्ट निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे 22 को, तो 110, 4 का 19 है तो उसको गुना करके 76, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेशन भी आप लोग जरा देख लेना, मैंने सही किया भी है कि नहीं, ठीक है, मैंने सही तो किया है लेकिन फिर भी आपका फर्ज है देखने का, तो ठीक है। तो 5th नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 5वें का हमारा क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका वेट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, जो भी होना होगा हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने PDF में दिया नहीं है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ उनको, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया, आप जरा मैं YouTube पे फिर से एक बार चलता हूँ, वहाँ पे कितने बच्चों ने कमेंट करके दिखाया थे, ठीक है, और शायद इसमें तो कोई वीडियो आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटा तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैंने आपको लगभग बता ही दिया, ज़रा हाँ देख लेना, एक क्वेश्चन था राग कामेश्वरी करके, शायद मैंने उसका नाम नहीं लिया, हाँ देखो यहाँ पे क्या, राग कामेश्वरी जो है कंपोज, ये रविशंकर के द्वारा कंपोज किया गया था, ठीक है, मैंने सोचा इसका आंसर भी मैंने लिखा है, किसका, रविशंकर, ठीक है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, रविशंकर के द्वारा। चलो अब जरा YouTube पे एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने कमेंट किया है, तो आपका काम है, और एक बार जरा ध्यान देना, आप लोग भी जब आते हो एग्जाम में, आप लोग भी एग्जाम देखे आओगे तो प्लीज़ आप लोग भी कम्युनिटी में फिर से मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करने का कष्ट करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे अभी और कमेंट करके बता रहे हैं, यहाँ पे कपिल दुबे ये बोल रहे हैं कि बिनबू बिनबू नहीं बिहू किस राज्य की नृत्य है, तो बिहू जो है देखो बिहू, ठीक है, बिहू जो है आपकी असम की है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात और क्वेश्चन यहाँ पे आंसर भी बताइए जी आलोक जी, मैं आंसर आपको तैयार कर रहा हूँ अभी, डॉल्फिन किस ग्रुप में आता है, तो देखो ये जो एक मैमलियन मतलब क्या स्तनपाई जीव है, डॉल्फिन कैसी है, स्तनपाई जीव है, ठीक है। अब देखो दीपिका कुमारी किस खेल से रिलेशन रखती है, तो दीपिका कुमारी जो है गाइज ये तीरंदाजी की रखती है, ये जो आपको भारतीय जो रांची की है, ठीक है, इस बात को जरा याद रखना। मजा आ गया पेपर देखिए, अभिषेक कुमार जी बोल रहे हैं मैथ ठीक था, देखो यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रहे हैं मैथ ठीक भाइयों, ज़्यादा लेवल हार्ड नहीं था, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैथ भी टफ नहीं था और GK भी देख रहे हो बहुत से बच्चे जैसे है। अब कुछ मैथ के क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, उसके लिए कॉपी पेन क्यों चाहिए। इफ़ 10 = √5 टू कॉसिक 2 - cosec 2 भाई करके कुछ क्वेश्चन है, इसे आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो बाकी वही सब क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया, चलो बेस्ट ऑफ और तैयारी करते रहो, जिसका भी एग्जाम है थोड़ा सा भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना हो सका क्वेश्चन दिया, बाकी आप लोग जो है कमेंट पढ़ के कुछ क्वेश्चन आप लोग इकट्ठा कर लेना, ठीक है। चलो और जरा आप सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं एक बार आप लोगों को फिर से बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, थैंक यू बोल दूँ, थैंक यू बोलूँ भी कम पड़ेगा क्योंकि आपका सपोर्ट जो है
अभी फिलहाल जो देखो 60K मतलब 60 हज़ार सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, 60 हज़ार की फैमिली होने जा रही है अपने ए टू जेड स्टडी पे। तो इस तरीके से आप सभी का सपोर्ट मिलते रहा तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। बस 1 लाख सब्सक्राइबर का वेट है जब तक सिल्वर प्ले बटन मिल नहीं जाता। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।